After BTech, I didn't have that much knowledge about the industry and all. So I found you, and you guided me through the all thing, like how the BIM works and all. So उसके बाद मैं आपके साथ कोर्स किया, स्किल्स ऐड किए, जैसे कि रेविट हो गया, ऑटोकैड हो गया, रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, MEP एंड ऑल. सो आफ्टर दैट आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम बर्किन आर्किटेक्ट्स, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए BIM मॉडलर. एक गाइस कैसे हो दोस्तों, मैं हूं स्टूडेंट, आप देख रहे हैं इसमें सेल्फ यूनिक. गाइस आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि सर किस प्रोफाइल में ज्यादा जॉब हो सकती है, किस प्रोफाइल में हमारा ग्रोथ होता है. तो मैं आपको कई बार बोलता हूं कि गाइस अगर आप बीम स्ट्रक्चर्स ऐसी फील्ड में जाते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा डिमांड होता है और डेफिनेटली आप अच्छी एक सैलरी भी गेन कर पाते हो. तो इसी श्रृंखला में जो आपकी पॉडकास्ट की जो सीरीज चल रही है, इसी सीरीज में आज आपके बहुत ही फेवरेट, क्योंकि आप में से काफी लोग डिमांड भी किए थे कि आपके बहुत ही फेवरेट सुभाषीष जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं और हमारे भी बहुत फेवरेट है, उनके साथ आपकी पॉडकास्ट की सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. आप में से कई लोगों ने इनको देखा जरूर नहीं होगा, बट इनके पोर्टफोलियो को या फिर रिज्यूमे को आप लोगों ने जरूर देखा होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैं रेफरेंस के तौर पे सुभाषीष का पोर्टफोलियो या फिर रिज्यूम जरूर शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और एक्चुअली में वो अच्छा है. सबसे पहले तो सुभाषीष, तुम्हारे ही प्लेटफॉर्म यूनिक सिविल पर स्वागत है. ठीक थैंक यू सर, थैंक यू ओके सो okay. मच. सुभाषीष, आई जस्ट वॉन्ट कि कुछ यहाँ पर नए लोग भी होंगे तो थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करोगे तो इट इज बेटर फॉर एवरीवन. सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर पॉडकास्ट. सो माय नेम इज सुभाषीष दास एंड आई बिलोंग फ्रॉम ओडिशा, एंड आई हैव डन माय डिप्लोमा एंड अलोंग विद द बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग. एंड आफ्टर बीटेक आई टुक द बीम कोर्स फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म, दैट इज यूनिक्स सिविल. Because after BTech, I didn't have that much knowledge about the industry and all. So I found you, and you guided me through the all thing, like how the BIM works and all. So उसके बाद मैं आपके साथ कोर्स किया, स्किल्स ऐड किए, जैसे कि रेविट हो गया, ऑटोकैड हो गया, रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, MEP एंड ऑल. सो आफ्टर दैट आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम बर्किन आर्किटेक्ट्स, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए BIM मॉडलर देयर. And it's been almost 7 months from there. So ग्रेट. और आई थिंक आपका प्रोफाइल इसमें बीम मॉडलर है, राइट यस सर. राइट. तो इसमें गाइस सुभाषीष जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बीम मॉडलर, इन्होंने काफी संक्षिप्त में बताया, बट इन्होंने काफी मेहनत किया इसके पीछे. एक छोटी जॉब भी मिली थी जिन्होंने जिसको यहाँ पर इन्होंने स्किप किया क्योंकि शायद वो उतना रिलिवेंट नहीं था. और डेफिनेटली इन्होंने इंजीनियरिंग आई थिंक पास आउट ईयर योर इज 22 यस सर. 22. तो 22 के बाद फिर इन्होंने तैयारी किया अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी किया. आप में से कोई भी अगर इनका पोर्टफोलियो चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ले सकता है. देखिए कि कितना डेप्थ में इन्होंने वर्क किया. एक्चुअली उस बात से मुझे तुम्हारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा लगता है और ऑलरेडी मैंने देखा होगा कई लोगों को शेयर भी किया हुआ है, ठीक है, पोर्टफोलियो इवन रिज्यूमे ऑल्सो. और उसका मेन रीजन क्या था ना कि जैसे होता है कि काम सब करते हैं बट कुछ लोग काम को बहुत डेडिकेट होके करते हैं, ठीक है. अभी मैं एक रिसेंटली एक पॉडकास्ट कर रहा था, क्या बोलते हैं उस पॉडकास्ट में एक बच्ची थी रशिका कदम. तो रशिका का मुझे एक वर्ड बड़ा अच्छा लगा, मैं कई जगह मेंशन कर चुका हूँ वो चीज़. सी सेड कि सर जॉब तो कई लोग करते हैं बट हमको लगता है कि कुछ ऐसा क्रिएट हो जिसको देख के मैं आई कैन से प्राउडली कि ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है. और हाँ तुमको तुमको मैंने पोर्टफोलियो उसका दिखाया भी था, कितना प्यारा पोर्टफोलियो था ना, देखा सर. ठीक हाँ है, बहुत सुंदर. मतलब कि काम सब करते हैं बट काम को दिल लगा के करने वाले चुनिंदा लोग होते हैं एंड डेफिनेटली सक्सेस उन्हीं को चुनती है. और आई जस्ट वॉन्ट टू मेंशन हियर कि सुभाषीष गेट गेट अप्रॉक्स इन 7 मंथ 10,000 अप्रेजल, मोटा मोटा 10,000 का अप्रेजल हुआ होगा, राइट. तो यस आप लोग ये समझ सकते हैं कि 7 मंथ में अप्रेजल मिलना ही सबसे बड़ी बात होती है, वो भी 10,000 का अप्रेजल. तो ये आपके परफॉर्मेंस को ही बीट करता है, परफॉर्मेंस की वजह से ही होता है. सुभाषीष थोड़ा सा भी और डेप्थ में हम लोग एनालिसिस करते हैं. क्या बोलते हैं आपका कॉलेज जो था वो कॉलेज कौन सा था? इट वॉज इन बालासोर ओडिशा, दैट इज द बिजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, BPUT. दैट वॉज द बीटेक. मे बी देयर आर सम ऑफ योर जूनियर्स कैन सी ना, तो वो भी उनको भी आई लगेगा यस अच्छा ही इज माय सीनियर, ठीक है. तो बहुत अच्छा है. एंड सुभाषीष फर्स्ट मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, हाउ यू जस्ट कनेक्ट विद अस ऑन विथ यूनिक सिविल, मींस आप यूनिक सिविल से कब से कनेक्ट हुए और कैसे कनेक्ट हुए थे, थोड़ा अगर याद हो तो बताओ मेमोरी वाइज. ये सब पूरा याद है, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट था आपका. ओके सो आफ्टर पासिंग बीटेक, सो ड्यूरिंग द बीटेक हमको जो भी थियोरिटिकल पढ़ाया जाता है, स्ट्रक्चर्स वगैरह हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, ये सब,
तो हमको पता नहीं था इतना कि कहाँ जाना है इसके बाद। तो बेसिकली एक ही रहता है कि आफ्टर बीटेक हमको कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाना होता है, फिर साइट में आपको जाना होता है, फिर कुछ साल आपको घिसना पड़ता है उधर, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, उसके बाद आप एक लेवल पर पहुंच सकते हो। सो हमको ये रास्ता पता नहीं था। उसके बाद आर्किटेक्चर का थोड़ा सा पता था कि डिजाइनिंग वगैरह होता ही है, बट मेरा सिविल इंजीनियरिंग था तो मेरा वही रास्ता था कि साइट पे जाना है, फिर एक्सपीरियंस गेन करना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर ड्यूरिंग द लॉकडाउन मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा था कि करियर के बारे में क्या करे क्या ना करे, क्योंकि पढ़ाई भी इफेक्ट हो रहा था लॉकडाउन की वजह से। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग कि कौन सा करियर ऑप्शन सही रहेगा आफ्टर बीटेक। सो आई आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू द यूट्यूब, देखा कि कौन सा एस्टिमेटिंग हो गया, ये सब आया। फिर बिम के बारे में जाना कि बिम क्या है, फिर जो उन्होंने बताया वो था आपका वीडियो, क्योंकि उधर से ही मैं देखा कि आप बताए कि कैसे बिम अभी बूमिंग हो रहा है इंडिया में। तब थोड़ा सा स्टार्टिंग था, अर्ली करियर था बिम में, मतलब इंडिया में आने का इतना ज्यादा नहीं आया था तब, 3-4 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। करेक्ट। तो वहां से पता चला मेरे को बिम के बारे में, और आप एक्सप्लेन किए कैसे करियर ग्रोथ हो सकता है, कौन से पोजिशन में जॉब मिलती है स्टार्टिंग में फ्रेशर्स के लिए। फिर आप तो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखते हो, मैं आपको डायरेक्ट कॉल किया, सर क्या करें अभी, ऐसे ऐसे बातें सिचुएशंस बताए आपको, फिर आपसे बात हुई, आपने अच्छे से समझाया कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पर बीम से पहले मैं आपका स्ट्रक्चर का देखा था, हाँ मैंने स्ट्रक्चर में ज्वाइन किया था आपके साथ, उसके बाद आपने बताया था कि बीम में जाओ, तो स्ट्रक्चर का मैंने लिया था। पर उस टाइम में मुझे याद है स्ट्रक्चर का जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है सब सीखा मैंने, स्टैट प्रो हो गया, ईटैप्स हो गया, आरसीडीसी हो गया, पर इतना ज्यादा मेरे को वो नहीं लग रहा था, क्योंकि स्ट्रक्चर्स में ग्रोथ तुम्हारा करने के लिए पैसन आपको कम था, थिएट तुम्हारा पैसन भी हाँ कम वो था। हाँ वैसे क्योंकि मेरा थियोरेटिकल नॉलेज इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि उसमें वो स्ट्रांग होना चाहिए थियोरेटिकल नॉलेज, और पैशन भी मेरा पहले से ही था कि डिजाइनिंग में कुछ करना है, मॉडलिंग वगैरह करना है वो टाइप का। फिर आपने बताया कि बिम में जाओ, फिर आपके साथ वो जर्नी स्टार्ट हुई, ऑटोकैड से स्टार्ट हुआ, रैबिट आर्किटेक्चर, फिर मॉडलिंग रेंडरिंग वगैरह जो भी है आपके साथ, जो भी मॉक इंटरव्यूज वगैरह, तो वो तो है ही, वो डिस्कस करेंगे आगे डिटेल हाँ, तो मतलब कुल मिला के देखो कैसे कि मैं भी कई बार ना ऐसा होता है कि किसने गलत करियर चूज कर लिया, तो मैं देखता रहता हूँ कि यार ये इसके लिए सही नहीं है। जैसे मैं देखा स्ट्रक्चर्स तुम्हारे लिए, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार ये क्लिक नहीं हो रहा है। ऐसे एक बच्चा है इंदौर का, नितेश समथिंग, ठीक है। तो वो नितेश का मैंने देखा, उसका ना मतलब कि स्ट्रक्चर्स बड़ा अच्छा था, वो बी में करियर बनाने की सोच रहा था। तो मैं देखा, मैं कहा, मैं उसको रोक दिया, मैंने बोला भाई ये तेरे लिए नहीं है, तुम्हारा ये पाथ जो है बेस्ट है। तो कैसा होता है, जब हमारा किसी चीज में पैशन होता है ना सुबह से, तो उसमें हम पता खो चलता जाते हैं, खो जाते हैं, है ना। जैसे कभी हम लोग जब है। पॉडकास्ट कर रहे थे, तुमने बोला ना कि सर अभी हम लोग, तो मैं आराम से वेट कर रहा था, मैं मुझे करना है, मतलब हम लोग एक पैशन होता है। और यहीं पर अगर ऑब्वियसली किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आदमी को लगेगा यार यार तो काम है। अब देखो ना, स्ट्रेस मेरे चेहरे पर दिख रहा है ना तुम्हारे चेहरे पर, क्योंकि मजा आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये भी नहीं सोचना है, सबसे बड़ी बात क्या होता है ना कि जहाँ जिस चीज मजा आता है ना, उसमें प्रॉफिट लॉस ये सारी चीजें दिमाग में होती ही नहीं है, और वही एक कोई गंदगी है जो इंसान को एक तरीके से। मैंने तुम्हारे अंदर देखा था कि तुम्हारा वो आर्किटेक्चर व्यू जो है क्लिक हो रहा था मुझे, और डेफिनेटली वो सही क्लिक हो रहा था, तुमको खुद भी लग रहा था कि तुम अच्छा कर रहे हो, और बहुत अच्छा उसके सर बाद तुमने अपना करियर डेवलप किया व्यायाम के अंदर। और आई थिंक इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो हार्डली इन 1 or 2 years, मेरा जो प्रेडिक्शन है 2 years मैं मान सकता हूँ, 2 years के बाद यू विल गेट अप्रॉक्स मोर देन 8 lakh, ये मेरा अंदाज है। होपफुली कि आप और जल्दी पा जाओ, बट मेरा अंदाज इतना है लगभग। और क्या बोलते हैं, टेंशन मतलब सैलरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है नहीं ठीक सर है ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इस मतलब कुल मिला के ग्रोथ दिखने लगता है ना, अगर हम कंटिन्यू लर्निंग ले रहे हैं तो ग्रोथ दिख रहा है। सेकेंड चीज क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आप बर्किन आर्किटेक्ट के बारे में अपने एक्सप्लेन करते हैं कि, या फिर किसी भी कंपनी में इंटरव्यू कई कई ढेर सारे तुमने भी दिए थे मुझे याद है, तो व्हाट आर द राउंड्स आर देयर, कैसे आपने अप्रोच किया, कैसे उनको अप्लाई किया, पहले ये डिस्कस करते हैं कैसे अप्लाई किया, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या बोलते हैं इंटरव्यू कैसे हुआ, तो अप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं। हाँ सो सर जब तक हमारा रेविट आर्किटेक्चर अराउंड 90% खत्म हो गया, हमारे पास अराउंड 5 to 6 मॉडल्स अच्छे से रेडी हो गए। आपने बताया कि पोर्टफोलियो बनाओ अभी, क्योंकि वही एक जरिया है जिससे हमको अच्छा जॉब मिल सकता है, सिर्फ सीवी से नहीं चलेगा। तो मैंने भी लग पड़ा, अच्छे से रेंडरिंग वगैरह किया, 5-6 मॉडल अच्छे से किया, क्योंकि एक साथ बहुत सारे आ जाते हैं तो हम एक जगह पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते।
तो अच्छे से पोर्टफोलियो बनाया पहले, फिर आपने बताया हुआ था कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं अप्लाई करने के। पहले स्टार्टिंग फ्रॉम गूगल, आपको जाके डायरेक्ट सर्च करना है आपका लोकेशन, जॉब प्रोफाइल की, बीम जॉब्स इन पुणे, बीम जॉब्स इन कोलकाता, बीम जॉब्स इन हैदराबाद, जो भी आपका प्रेफर्ड लोकेशन है। तो मेरा पास कोलकाता हो रहा था और मैं देखना चाह रहा था कि उधर अच्छा कंपनी कोई है कि नहीं, तो मैंने कहा सर्च किया। हर दिन मुझे अभी भी याद है, मैं ऑफिस जाता था, मैं उधर एक 3D मॉडलर का काम करता था, डिफरेंट मतलब स्केचअप और रेविट में, हाँ, सॉरी स्केचअप और ऑटोकैड, लुमियन में। अच्छा लुमियन, हाँ, 3D रेंडरिंग वगैरह करता था। तो मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं रहता था, तो मैं क्या करता था, अपना लैपटॉप ले जाता था, जाके सर्च करता था, जब भी खाली मिलता था जाके सर्च करता था, बीम जॉब्स यहाँ पे, बीम जॉब्स वहाँ पे, कहीं पे मतलब ढूंढता रहता था, टाइम देता था। मतलब ये मैंने देखा है कि अपना रेंडरिंग वगैरह हो गया, कि जो भी जॉब सर्च करना हो गया, जो भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए मेरे को, क्योंकि घर में मेरा जो भी स्केड्यूल था 3 से 4 घंटा बहुत हार्डली मिल पाता था, तो मेरे को टाइम निकालना था वहाँ से। तो मैंने सोचा कि ऑफिस में थोड़ा सा टाइम मिल रहा था, घंटे 1.5 घंटा, तो मैं सोचा वहाँ पे कुछ टाइम यूटिलाइज करते हैं। तो मैं जाके सर्च करता था, यहाँ पे जॉब आ रहा है, वहाँ पे जॉब आ रहा है, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन उनका दिखता था क्या है नहीं है, फिर अगर वो मैच कर गया मैं अप्लाई कर दिया, अगर वो 20% 30% भी मैच किया मैं अप्लाई करता था। और अप्लाई करने में टाइम लगता है सर, जैसे आप बताते हो कि आप दिन में 1-2 जॉब अप्लाई करो, अच्छा है वो, मतलब प्रोसेस उसका अच्छा है, स्टार्टिंग अच्छा है 1-2 जॉब से, फिर डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ाना बढ़ा चाहिए। सकते हो। हाँ, तो मैंने, मुझे अभी भी पता है, एक्सेल शीट मैं अपडेट करता था कौन से कंपनी में मैंने किया है, डेट उसका, HR का नंबर, उसका वेबसाइट, जो भी है सब राइट डाउन करके देखता था। फिर मेरा पहले 15-20 अप्लाई हो गए, फिर मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, मेरे को लगा क्या हो रहा है सर, पोर्टफोलियो रेडी है, आपने बताया पोर्टफोलियो अच्छा है, रिज्यूमे अच्छा है, कवर लेटर अच्छा है, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। आप बोले कि रुको जरा, देखो करते रहो, रुको मत। तो करते गया 30 कंपनी हो गया, उसके बाद आने स्टार्ट हुए। मुझे अभी पता है मैंने टोटल 36 कंपनीज में अप्लाई किया है, उसमें से 5, 6 या 7, 7 या 8 मुझे याद है अभी भी, और 5-6 में इंटरव्यू दिया था मैंने। तो उसमें से बकिन आर्किटेक्ट्स भी था, क्योंकि हमारे यूनिक सिविल के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ से काम किए हुए हैं, तो मेरे लिए वो इजी था उनसे कांटेक्ट बनाने का, उनसे पूछने का कि कल्चर कैसा है, काम कैसा है, कैसे वहाँ पे सिलेक्ट होना है, टेस्ट वगैरह कैसे रहता है। तो मेरा मेन एम वो था कि बकिन आर्किटेक्ट्स को याद करना है, क्योंकि वो पास भी पड़ेगा और अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा एक सैलरी करियर भी के अच्छी लिए, रह सैलरी जाएगी। भी अच्छी स्टार्टिंग है वहाँ पे, और लोकेशन के वाइज अच्छा सैलरी देते हैं वो। तो मैंने बात किया था विकास श्रीवास्तव भैया से, कलाम से बात किया था, और भी लिंक्डइन में जो भी है उनसे बात किया था, मैंने मैसेज किया था, तो बोले अच्छा पॉइंट है स्टार्ट करने के लिए। तो ऐसे लग पड़ा, मैं अप्लाई किया, फिर रिप्लाई आता है, मतलब आपको लगे रहना पड़ता है आपको कंटिन्यू उनका। हाँ, क्योंकि उनका HR का नंबर हो गया, HR का मेल आईडी हो गया, आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे अप्लाई करना है, तो आपको लगे रहना पड़ेगा, आपको अगर रिप्लाई कुछ चाहिए कंपनी से। कुछ लोग सोचते हैं, अभी मुझे परसों ना एक लड़का बैच में बोलता, सर मैंने चार पांच कंपनी में अप्लाई किया, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो हमने कहा यार उनसे पूछना था कि हमारे लिए बैठे हो कि नहीं बैठे हो हमारे लिए। लेकिन वही इस इट विल टेक अप्रॉक्स मोर देन 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ तो आप पकड़ के चलिए कि ठीक है, कोई लकली किसी का 15 दिन में आ गया तो इट इज मच बेटर, बट 1 मंथ का प्रोसेस डेफिनेटली यू जस्ट गेट द एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दैट। एंड सेकेंड चीज, सुभाषिस अभी जो करेंट कंपनी में व्हाट्स योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर, मीन्स व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू डू देयर। सो द प्रोफाइल इज बीम मॉडलर। सो वहाँ पे क्या काम रहता है, जो भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो बेल्जियम के रहते हैं, बेल्जियम बेस्ड प्रोजेक्ट है वहाँ पे, बेसिकली विलास प्रोजेक्ट हो गए, रो हाउसेस हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए, उनका काम रहता है, वो आर्किटेक्चुरल कंपनी पूरा है, तो उनका काम ये रहता है कि उधर। जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, बस आई जस्ट आई डोंट वांट कि उनकी प्राइवेसी जाए, तो मैं चाहता हूँ बस आप ओके ओके अपना ओके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो बस। ओके 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 सर, ओके सर। हाँ सो मेरा बेसिकली काम रेविट पे रहता है, रेविट आर्किटेक्चर पे, हाँ जितने डिटेल में मॉडल बना सकते हैं हम, क्योंकि डिटेल वहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि उसी पे आगे काम होगा। जैसे बिम हो गया, बिम पूरा डिटेल में जाता है हमारा, करेक्ट, LODs जैसे हैं 4D 5D, तो हम पूरा डिटेल में मॉडल करते हैं उसको, फिर उसको आगे भेजते हैं,
उसको कैलकुलेशन हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट हो गया, वो सब करने के लिए भेजते हैं। तो मेरा काम बेसिकली डिटेल में मॉडल बनाना है। करेक्ट, वेरी गुड। एंड क्या बोलते हैं, अभी आपका डेली का शेड्यूल क्या रहता है सुबह से, इसमें क्योंकि अब तो थोड़ा बिजी भी हो गए, सुबह जाना एंड आना। आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा ब्रीफ करें, बिकॉज मेरे मुझे आपकी एक हैबिट अच्छी लगती है, यू जस्ट लाइक आप जिम जाते रहते हो बेसिकली, एंड मुझे चाहिए कि आपका शेड्यूल बताओ थोड़ा सा। सो स्केड्यूल सर अभी बहुत बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन चल रहा है, क्योंकि लास्ट 1 महीना हो गया। सुबह 7 या 6:30 बजे उठना, उसके बाद अपना डाइट बनाना, क्योंकि पीजी में रहता हूँ तो चोरी छुपके थोड़ा सा डाइट बनाना पड़ता है, क्योंकि पीजी के खाने से फिटनेस नहीं बन सकता, सबको पता है। तो 9 बजे ऑफिस रहती है, उसके पहले डाइट बना के ऑफिस जाना 9 बजे, पास में ही ऑफिस तो प्रॉब्लम नहीं है इतना टाइम का। उसके बाद ऑफिस 9 to 6:30 रहता है, हाफ हाफ एन आवर का लंच ब्रेक रहता है। तो आफ्टर ऑफिस 6:30 to 7, 7 तक आ जाता हूँ मैं, 7 तक। फिर 7:30 से 9 रहता है मेरा जिम, जिम से आके डाइट लेना और सोना, बस यही है बड़ा ज्यादा अभी के ये लिए। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा है, इट इज गुड एक्चुअली। एंड सेकंड चीज डेफिनेटली कैसे होता है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो होती है वो हेल्थ होती है। एंड मैं खुद भी अपने प्रायोरिटी में अभी हेल्थ को डाल दिया हूँ, लेकिन बट कैसे होता है कि डेफिनेटली इसको ना माइंडसेट चाहिए होता है, जैसे कि अपन काम को माइंडसेट दिया है ना, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑफ द कैमरा की क्या बोलते हैं, जिस चीज में मजा आता है उस चीज को हमें पता ही नहीं चलता कि वी कैन डू बेस्ट। एंड सेकंड चीज थोड़ा सा ना सुबह से आई जस्ट वांट कि यू कैन जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द कम्युनिकेशन रोल, कम्युनिकेशन का क्या रोल है। ठीक है अपन तैयारी करवा दी है, सब कुछ हो गया, कम्युनिकेशन का क्या रोल है इस बीएम इंडस्ट्री के अंदर। कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा नेटवर्क बनाओगे आपको उतना अच्छा है। क्योंकि अगर आपके कांटेक्ट में हर एक कंपनीज के कोई कोई एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको पता चलते रहेगा, कभी भी आपको अगर ओपनिंग्स निकल रही है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो रेफरल के लिए, या डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि रेफरल होगा तो थोड़ा सा इजी हो जाता है जॉब के लिए। और कनेक्शंस बनाना, लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन में आप कनेक्शन बना सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि कैसे कैसे ओपनिंग निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं। तो या कनेक्शंस बनाना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन तो चाहिए। और डेफिनेटली इंग्लिश का भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इंग्लिश, क्योंकि यस क्योंकि इंग्लिश इसीलिए चाहिए क्योंकि बिम अभी मतलब आ गया पूरा, बट हाँ मैक्सिमम प्रोजेक्ट हमारा फॉरेन का रहता है, आउटसोर्सिंग का। US बेस। हाँ, आउटसोर्सिंग काम ज़्यादातर रहता है, तो हमको उनके क्लाइंट से हो गया, उनके मैनेजर से हो गया। तो हम जैसे हमारा कंपनी है, हमारे यहाँ पे जो भी है इंडियन से, पर हमको सबको उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है कि क्या चाहिए आपको, तो उसके लिए इंग्लिश तो चाहिए ही आपको। एटलीस्ट इतना चाहिए कि आप अपना भावना समझा सकते हो कि आप क्या बोलना चाहते हो, बस उतना ही चाहिए और कुछ नहीं। करेक्ट, लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पूरा फ्लुएंट होना चाहिए, पूरा ब्रिटिशर्स की तरह, बट नहीं चाहिए, उनको जस्ट समझ में आना चाहिए आप क्या बोलना चाहते हो, बस व्हाट वी हैव एटलीस्ट वी कैन प्रेजेंट हिम, वी कैन इतना प्रेजेंट। इतना यस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे में क्या होता है कि और हम लोग के साथ क्या होता है, सुबह से जो छोटे सरों से बच्चे आते हैं ना, मैक्सिमम लोग यहीं पर बीट कर जाते हैं, मैंने देखा हुआ है। वो तुम तो देखते थे तो मॉक इंटरव्यू, देखते ही थे तुम। ठीक है चलो फिर मॉक हाँ इंटरव्यू का हम डिस्कस अपन करते हैं कि मॉक इंटरव्यू का तुम्हारे लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, पहले ये डिस्कस करते हैं। सो मुझे अभी भी याद है, पहला दिन मॉक इंटरव्यू था और मेरा पसीना निकला। मैं समझा कि कैसे दूं इंट्रोडक्शन अपना, जब आपने बोला कैमरा ऑन करो, मेरा हो गया खत्म, कैसे कैसे भी इंग्लिश में कम्युनिकेट करो, मैं अटक गया पूरा। मतलब डर लगता है पहली बार, क्योंकि हम हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, हम हर यस टाइम अपने लोकल लैंग्वेज में बात लोकल करते लैंग्वेज हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है मेरे को लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि आपको कंटिन्यूअसली इंग्लिश के अराउंड रहना होगा। लोगों से नहीं रह सकते आप, क्योंकि लोग आपके इंग्लिश इतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे। मेरा ये था कि मैं ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट देखता था हाँ अपना, थोड़ा सा थॉट बदलने के लिए, क्योंकि मैं स्टार्ट किया उसके बाद थॉट को इंग्लिश में करना, कि जो भी सोचूं इंग्लिश में सोचूं। ये मेरा है, मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं अपना इंग्लिश कैसे बेटर किया, क्योंकि मेरा बहुत खराब इंग्लिश था। अब जो भी हो थोड़ा सा हो गया है, हाँ तो मैंने क्या किया, इंग्लिश कंटेंट देखना स्टार्ट किया, फिर सोचना स्टार्ट किया इंग्लिश में, और जो भी सोचते सोचते नहीं आ रहा है वो जो भी सेंटेंस है उसको गूगल करता हूँ, दिस इज बहुत इन बढ़िया, इंग्लिश, उसको फिट कर दिया, वो नेक्स्ट टाइम से इजी हो जाता है उसको यूज करना। तो ये मैंने स्टार्ट किया। फिर आपके जो भी वीकली आपके जो मॉक इंटरव्यू होते हैं,
उसमें करते 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 अपना इम्प्रूव होता चला गया। तो मॉक इंटरव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोल रहा हूँ आप सबके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी अपना भागते ही चीज से थोड़ा भागते हो आ जाए वापस अगर सिलेक्शन सा, चाहिए तो। हाँ सर, एंड सेकंड चीज मैं क्या करता हूँ कम्युनिकेशन के लिए सुबह से, मैं बताता हूँ कि आई जस्ट वांट कि लाइक मैं, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल थोड़ा टाइट ही रहता है तुमको पता है, तो मैं क्या करता हूँ जैसे मुझे जिस दिन ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी है ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अरे कुछ साउथ की मूवीज मुझे अच्छी लगती हैं उनको इंग्लिश में, इंग्लिश टाइटल में होता है ना चेंज करके इंग्लिश में वो कर देते हैं ना सबटाइटल्स यार, जो इंग्लिश में ही कन्वर्ट कर देते हैं लैंग्वेज को, अच्छा तो अच्छा हाँ वो इंग्लिश मतलब इंग्लिश में डाउनलोड कर लिया साउथ इंडियन मूवीज और डाउनलोड करके रख लेता हूँ, फ्लाइट में बैठा हूँ ट्रेन में बैठा हूँ ईयरफोन लगाया आराम से उसको वॉच करता हूँ। बिलीव करो इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स उसके अंदर मिलते हैं और वो वर्ड्स ना डेली लाइफ में यूज करने को भी मिल जाता है। तो मतलब कुल लगे तुमने हाँ बोला सराउंडिंग वाला, और हाँ स्टार्टिंग में मैंने गैस यहाँ पर हम लोग कोई प्रचार उचार नहीं कर रहे, किसी का एक ऐप था डियोलिंगो करके, तो हाँ मेरे एक सर, फ्रेंड ने बताया था उस ऐप में क्या था कि मतलब लोग इंग्लिश में जिसको जिस तुमने बोला ना कुछ डालो तो इंग्लिश में फट बता देता है जस्ट लाइक गूगल, तो वो भी बहुत हेल्प किया था नो डाउट, लेकिन ये जो मूवीज वाला है ये काफ़ी हेल्प किया मेरे लाइफ में। यस सर, और एट द लास्ट तो सोल्यूशन यही है कि जितना सोचना स्टार्ट करोगे उस चीज़ को। एंड मैं क्या वही करता था डेली में सुबह से, मेरा अभी भी रूटीन है कि आई जस्ट लाइक मेंशंस की जो भी मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट हो रहा है आई जस्ट ट्राई टू रीड डाउन। पहले मैं ये हाँ हिंदी में बचपन से करता आया हूँ, हिंदी में करता आया अच्छा हूँ, बट वो जब जॉब लगने की तैयारी हुई जब प्रॉब्लम में फंसा तब से मैंने इंग्लिश में करना स्टार्ट कर दिया। और अब तो ऐसा हो गया कि अब घर पे मम्मी ने बोला हल्दी भी लाना है तो मैं टर्मरिक लिखता हूँ ठीक है, में हाँ ये वो हेल्प उससे क्या करता हो है, गया कि धीरे धीरे फ्लुएंसी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि अपन हाँ अंग्रेज है और अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, बट कुछ एटलीस्ट चीज़ अंग्रेज हमें बेवकूफ ना बना पाए इसलिए उनकी भाषा समझना जरूरी इसीलिए, है, हाँ। ये और बहुत इम्पोर्टेंट। मैं ये कोशिश करता था कि फॉरेनर्स की इंग्लिश ना सुनो, क्योंकि हाँ वो थोड़ा सा ज्यादा वो रहता है, टफ होता इसलिए है। मैं जॉब, हाँ इसलिए मैं जॉब जब भी इंग्लिश का सराउंडिंग, मतलब जो बोला, जो भी कंटेंट वगैरह देखता हूँ वो इंडियन पॉडकास्ट का देखता हूँ। जो हाँ भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, रणवीर अलावदी, आपको पता होगा, हाँ बियर हाँ बाइसेप हाँ का, हाँ वो उनका जो इंग्लिश पॉडकास्ट है बहुत हाँ अच्छा रहता है। उनको हाँ सुनने से आपको, आपका जो सेंटेंस मेकिंग जो पावर है वो बढ़ता हाँ है, टी तो आर एस उनको कुछ मैं नाम है शायद डेली उनके सुन, चैनल का, टी या आर एस नहीं द ना रणवीर शो, या दरिन भी सो। हाँ अच्छा हाँ, रहता तो है। उनका बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनके गेस्ट वगैरह आते हैं वो भी इंग्लिश में बात करते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया के जो भी एक्सेंट है आपको वो पता चल जाता है, तो आप उससे बहुत हेल्प ले सकते हो। करेक्ट कहीं से भी मिले मतलब कि यू जस्ट यू हाँ नीड टू बी अडॉप्ट। और जब देखो कंटेंट वॉच करना आज के टाइम पर एक तरीके से बोलो तो और कंपलसरी हो गया है, तो जब हाँ कंपलसरी हो ही गया तो ठीक ठाक वॉच कर लिया जाए, तो रील की एटलीस्ट जगह वो सब आज कर दो रील्स के बस। लिए वो मैं हमेशा लॉन्ग वीडियो ही प्रीफर करता हूँ। मैं भी देखता हूँ वीडियो बट मैं हमेशा 1-1.5 घंटे का वीडियो देखना है, क्यों, एक तो 1-1.5 घंटे बेस्ट, बैठने की प्रैक्टिस, ऊपर से हाँ वो याद रहता है सुभाषीस। आप 2 घंटे रील्स देख लो फिर मैं पूछूँ क्या क्या सीखा, कुछ जीरो कुछ ठीक है। कुछ लेकिन 2 घंटे एक पॉडकास्ट आप वॉच कर लो अच्छा, या फिर जो भी बड़े वीडियोस जैसे संदीप माहेश्वरी सर के हैं और भी बहुत हाँ से सर, लोग गौरी गोपाल गोपाल प्रभु जी हैं उनका, मतलब कुल मिला किसी का वही भी वॉच करो तो वो ना याद रहती है चीज़ें। और नो डाउट बहुत अगर सारे, आप बुक्स पढ़ सकते हैं तो बुक्स तो बहुत अच्छी होती है, बुक का तो मुझे जो सबसे अच्छी बुक लगी फॉर लाइक आप लोग के एज से इकिगाई, जैपनीज लाइफ स्टैंडर्ड जीने की एक मैं तुमको गिफ्ट करूंगा अपने तरफ से उसको, तुम उसको ओके रीड करना। तो मतलब कैसे हो कि जीवन जीने की कला, इकिगाई मतलब होता है जापानी वर्ड है इसका, मतलब जीवन जीने की कला मतलब अलग ही लेवल पे बहुत अच्छी लगेगी, मतलब सबको पढ़ना चाहिए। और ब्रेन को अगर ब्रेन के ताकत को समझना है तो एक बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये मुझे पढ़ना है, मैं बहुत ये दिन से पढ़ना सोच के है, रखा हूँ। हाँ इसको पढ़ो सुभाषी, इससे आइडिया लगेगा व्हाई हियर और हियर ये डिफरेंस क्यों है ठीक डिफरेंस है, पता चल हाँ जाए, ठीक हाँ है डिफरेंस क्यों है, और डिफरेंस कहीं है ही नहीं क्योंकि तुम्हारी बॉडी भी जलेगी तो बस उतना ही राख होगा, मेरी बॉडी भी जलेगी उतना ही राख होगा, फिर भी सेम है, डिफरेंस है ठीक है। मतलब हमारे तो हम माइंडसेट लोग तो सेम है बट डिफरेंस, माइंडसेट मतलब लोगों की बात करें तो माइंडसेट का डिफरेंस है, वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कोशिश करना कि उसको रीड करना ठीक है जी। यस चलो सर, अभी हम लोग पॉडकास्ट तुम्हारा है मेरा नहीं है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या बोलते हैं जो वहाँ के राउंड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं सुभाषीष, कि वहाँ पर राउंड्स कौन कौन से होते हैं इंटरव्यू में। सो मेरी कंपनी का बताऊं, हाँ तो यहाँ पे जब मेरा हुआ था, मेरे को याद है कि पहले तो आपको एचआर कॉल करेंगे, एचआर राउंड होगा, आपको जो भी पूछेंगे वो लोग, तो एचआर राउंड पहले होगा, फिर आपका होगा टेक्निकल राउंड।
टेक्निकल राउंड में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे वो, फिर आपको देंगे टूल टेस्ट का, क्योंकि मेरे कंपनी में यह है कि आपको एक सर्टन लेवल का एक क्या थोड़ा सा चाहिए टेक्निकल नॉलेज, जो रेविट का होता है, रेविट का जो थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिटेल में काम रहते हैं, हाँ तो वो आपको पता रहना चाहिए। तो वो टेस्ट से वो समझ जाते हैं कि आपको वो सिलेक्ट करेंगे कि नहीं। तो मेरे लिए वो टूल टेस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उससे ही वो जज किए मेरे को। तो टूल हाँ टेस्ट होने के बाद ही वो डायरेक्ट मेरे को सिलेक्ट कर दिए, क्योंकि उनका वो था कि माइंडसेट बन गया था। अगर ये कर लेगा तो हाँ इसको कर सकते हम थोड़ा सा कंसीडर। ब्रीफ तो करो कि उसमें क्या था, टूल टेस्ट में अप्रोक्स क्या था। टूल टेस्ट में उनका मेनली स्लो प्रूफ का था, स्लो प्रूफ का एक घर था। और बाहर के प्रोजेक्ट में क्या होते हैं कि उनके जो भी वॉल्स होते हैं उनमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। एक हाँ वॉल में 5 लेयर अराउंड रहते हैं, दो फिनिश हो गए, हाँ एक स्ट्रक्चर का हो गया, एक इंसुलेशन का हो गया, इंसुलेशन एक करा के, एयर गैप हो गया, ये क्योंकि पांच लेयर। क्योंकि उनके बूड हाँ होते हैं तो बूड में ये चीज वही चाहिए होती है हीट के लिए, हाँ, हीट हीट और को साउंड घर प्रूफिंग भी के रहता है। अंदर डेफिनेटली सर, ये सब के लिए वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में काम रहता है। तो आपको वॉल की लेयरिंग आना चाहिए कि लेयर्स कैसे बनाते हैं। उसके बाद स्लो प्रूफ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहता है कि उसमें भी लेयर रहता है, दो तीन हाँ लेयर उसमें भी रहते हैं। और प्रेजेंटेशन हो गया, क्योंकि शीट में आपको अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए, शीट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो तीन चीजें उन्होंने देखे, और डिमेंशंस वगैरह हो गए, थोड़ा सा डिटेल में काम कैसे करते हैं, वो अगर अच्छे से कर लिए तो मेरे कंपनी में एटलीस्ट वर्किंग में हाँ तो इजी हो जाता है वो। तो आप इन चीजों को माइंड में रखते हुए अभी भी जो भी फ्यूचर में आपके काम आएंगे, मतलब जो टूल टेस्ट आएंगे, तो उनको उसमें फोकस देंगे तो करें। अच्छा रहेगा। हाँ हाँ कुल मिला के गाइस, टूल टेस्ट लगभग लगभग जितने भी यूएस स्टैंडर्ड को होते हैं मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं सुभाषिस, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने दो दो चार बैचेस में ऑलरेडी टूल टेस्ट कराया, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों पे टूल टेस्ट थे, मैं नाम नहीं मेंशन कर रहा। तो उसमें कैसे था कि मैक्सिमम स्लोप तो फिक्स है, स्लोप रूप तो लगभग लगभग फिक्स है, और जो तुमने लेयर्स बोला ये लेयर्स भी फिक्स रहता है उनका। तो जैसे कि अभी एक बच्चे ने मोबाइल हाउस बनाया था, मोबाइल हाउस, तो उसमें मैक्सिमम पार्ट इसी का था रिलेटेड टू दैट ओनली। तो ये बहुत अच्छा बताया कि कैट टेस्ट जो है ये एक तरीके से पैरामीटर है एंट्री होने का, एटलीस्ट एंट्री फॉर द ऑन। मॉडलर, ठीक है। एंड उसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं हम लोग सुभाषिस, की क्या क्या टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, नॉट ओनली फॉर दैट कंपनी, फॉर एनी कंपनीज कौन एनी कौन से कंपनी हाँ, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेरे 5 कंपनी में इंटरव्यू हुए थे, तो एक कंपनी में मेरे टेक्निकल राउंड अराउंड 1.5 घंटे का हुआ था। तो 4 जन टेक्निकल पर्सन बैठे थे और मेरे से एक एक करके सब पूछे। तो उसमें बेसिकली आपको रेविट का इन डेप्थ नॉलेज पूछेंगे कि आपको पता रहना चाहिए हर एक टूल्स के बारे में, उसका यूजेस के बारे में, उसके शॉर्टकट्स के बारे में, और कहाँ यूज कर सकते हैं उसको, और कितने इजी तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब कितने कम स्टेप्स में वो काम हो सकता है, वो सब भी देखते हैं वो लोग, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी देम गुड, फॉरेन ग्रांट के लिए। तो वो चाहते हैं कि जितना जल्दी आप कर सके उस काम को। तो रेविट का हो गया एक, रेविट के इन डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए, क्योंकि आप एज ए मॉडलर आपको बहुत डिटेल में काम करना पड़ता है, और सीनियर्स वगैरह तो होते ही वो बता देंगे, बट एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड लेवल तक आपको पता रहना चाहिए जो भी टूल्स वगैरह हैं। विजिबिलिटी ग्राफिक्स हो गया, ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शंस हो गए, जो भी ऊपर के टूल्स हैं आर्किटेक्चर के, सबके नॉलेज रहने चाहिए आपको। उसके बाद आपको बिम के क्वेश्चंस पूछेंगे कि बिम क्या होता है, बिम में कैसे काम आता है, प्रोसेस कैसे रहते हैं बिम के, डायमेंशंस हो गए। वैसे बताऊं तो आपके जितने सारे पॉडकास्ट देखे वही सेम है, आपका जो बिगिनर वाला वो जो इंटरव्यू गाइड है हाँ 11-11 पेज का, वो हाँ बेस्ट है, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर्ड है, आपके डिमेंशंस हो गए और स्टेप्स हो गए बिम्स के, और रेविट के इन डेप्थ नॉलेज, बीईपी हो गए, जितने भी शॉर्टकट्स हैं, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो बीम ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, हाँ सब कुछ, व्यू रेंज हो गए, हाँ वो सब कुछ कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड नहीं है वो। अगर आप एक बार अच्छे से देख लो तो वो माइंड में फिक्स रह जाता है, फिक्स आप अगर उसको रटने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा वो, नहीं होगा। आपको थोड़ा सा वो विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा देखना होगा सॉफ्टवेयर में जाके कि कहाँ पे है, एक दो बार यूज करने से ही वो आ जाते हैं, ये आ इतना जाता है। हार्ड नहीं है वो। और सबसे बड़ी चीज़ तुमने बोला कि उसको यूज कर लेना तो अपने आप यहाँ सेट हो जाता है।
रह जाता है। ठीक है। हाँ जैसे अभी देखो तो तुम अगर प्रैक्टिस। फुल टाइम जैसे तुम अभी रेविट चलाते हो तो अभी जस्ट आँख का अगर हाँ खुला भी होगा ना तुम्हारे सामने से रेविट की स्क्रीन एकदम याद होगी। ठीक यही सर। ऐसे लगभग मुझे भी मतलब कैसे मुझे तो 9-10 साल हो गए तो लगभग 10-10 सॉफ्टवेयर तो ऐसे होंगे जिनकी स्क्रीन एकदम याद है कि वेयर इज हाँ विच कमांड्स। मतलब वो कैसे वही चीज चाहिए उसको याद करने के लिए भी, याद भी नहीं समझने के लिए। और समझने के लिए। हाँ और हाँ कुछ मेंशन कर रहे थे। और वो हो गए रेविट के, हो गए बिम के, हो गए। और आपको अगर एचआर एचआर के क्वेश्चंस आ गए तो आपको पूछेंगे वो कंपनीज के बारे में, मतलब अपने कंपनी के बारे में कि क्या पता है हमारे कंपनी के बारे में। और आपके बैकग्राउंड पूछेंगे अगर आपका कैरियर गैप है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपके स्टूडेंट मेरे को कॉल करते हैं कि मेरा 5 साल का गैप है, 3 साल का गैप है। मेरा एक खुद का दोस्त बीम का कोर्स कर रहा है एक और इंस्टीट्यूट से, अच्छा पर वो भी पूछ रहा था मेरे को क्या करे गैप के बारे में। मैं बताया सर से कॉल करो, क्योंकि सर अरे इज द बेस्ट ऑप्शंस। क्योंकि करियर गैप होता है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट मैनेज करना करना पड़ता पड़ता है। है, क्योंकि और बेस्ट वे है कि आपको स्किल कर गेन करना पड़ेगा। अगर हाँ आपके पास स्किल रहेगा तो आप मैनेज कर सकते हो उसको, और हाँ स्किल्स के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे होता है कि किसी भी चीज से कंप्रोमाइज किया जा सकता है सुभाषिस, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हाँ आपकी कोई भी एक बैड हैबिट है, जैसे कि हमारे एक रिलेटिव है उनकी एक बैड हैबिट है, नाम नहीं लूंगा और बैड हैबिट भी नहीं बताऊंगा, बट बाकी उनकी सारी गुड हैबिट्स हैं। हम लोग उनको एडॉप्ट करते हैं, हम लोग उनको पैर छूते हैं, मतलब सारा रिस्पेक्ट देते हैं। केवल एक बैड हैबिट है बट वो चाइल्ड सो है, वी कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। ठीक है एंड वेरी रिस्पेक्टेड फॉर अस। ठीक है तो कुल मिला के कैसे हो गया कि बैड हैबिट को इग्नोर किया जा सकता है अगर आपके अंदर सारी सारी गुड 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 क्वालिटीज क्वालिटीज हो। तो बहुत अच्छा लगा सुभाषिस, आपने काफी अच्छा। मैं अब चाहता हूँ सुभाषिस लास्ट एक ठीक है क्या बोलते हैं अपने फ्रेंड को बोलो पहले तो गुरुकुल ज्वाइन करें। ठीक है एंड सेकेंड चीज क्या बोलते हैं फिर ठीक है। देखो कैसे होता है कि अभी गुरुकुल में क्या हो गया इसमें भी हमने स्कैन टू बीम इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है अभी हम लोग इसमें ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड भी लेके आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखो हर किसी को अपडेट होते रहना चाहिए सुभाषिस। सिलेबस मैटर नहीं डेफिनेटली। करता, सिलेबस तो क्या हो गया एक रटम विद्या है, आप YouTube पे हाँ चार्ट वीडियो देख लो सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं, इंसान को बनना इंपॉर्टेंट होता है। तो वही। वो सेकेंड चीज मैं चाहता हूँ सुभाषिस, आप थोड़ा अपना अपने जूनियर्स जो भी हैं उनको थोड़ा सा आप अपना कुछ भी व्यू शेयर करो तो अच्छा रहेगा। ओके सर। हाँ तो अभी क्या हो गया, नॉलेज लेना इज वेरी इजी, क्योंकि यस आप कहीं पे भी जाओ, आप कोई भी कोर्स करो या कोई भी इंस्टीट्यूट पे जाओ, उसके बाहर भी आपका बहुत सारा नॉलेज है जो कि यूट्यूब से आता है। क्योंकि यूट्यूब इज लाइक ए इंस्टीट्यूशन फॉर मी, क्योंकि यूट्यूब से सब कुछ आ जाता है। क्योंकि मैं जितना भी सीखा हूँ, मैक्सिमम आपसे सीखा हूँ, उससे बहुत सारा ज्यादा यूट्यूब YouTube से भी से सीखा सीखा हूँ। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं वहाँ पे, और बड़े बड़े पोस्ट पर लोग हैं जो भी वीडियोस बनाते हैं मॉडलिंग के, कैसे डिटेल में मॉडलिंग कर करेक्ट सकते हैं। तो उनसे भी लेना जरूरी है, जहां यस से भी मिले आपको नॉलेज ले लो और राइट इट डाउन करो और उसको प्रैक्टिस करो, ये है। और जैसे फ्रेशर्स ज्यादा आते हैं बीम में, क्योंकि बीम का पहला ये है कि बीम मॉडलर हो आप, तो मॉडलिंग के लिए आपको हाथ बैठाना बहुत जरूरी है। तो करेक्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप दिन में 5-6 घंटा नहीं दे रहे हो तो आप नहीं बन सकते, उतना अच्छा स्पीड नहीं आ गया आपका। तो करेक्ट आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे मेरे को याद है, टाइम नहीं मिलता था फिर भी रात को 2-3 बजे तक हाँ करता रहता है, करता रहता था, यस करता रहता था। तो टाइम देना पड़ेगा आपको, अगर यस आप पैशनेट हो एक अच्छा करियर बनाने के लिए बिम में। क्योंकि अभी सिविल इंजीनियर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, बिम इज द बेस्ट करियर, क्योंकि ग्रोथ भी है, करियर भी अच्छा है, सैलरीज भी अच्छे मिलते हैं। अगर आप काम अच्छे करोगे तो सैलरीज मिलेंगे आपको, और आप सैलरी पे अगर ध्यान दोगे तो नहीं होगा वो अच्छे से, आपको काम पे ध्यान देना पड़ेगा। काम पे ध्यान देना काम करोगे मैनेजर्स देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक फायदा है कि मैक्सिमम मैनेजर्स बाहर के हैं। इंडियन मैनेजर्स मुझे पता है थोड़ा सा वो रहता है उनमें, थोड़ा सा हाँ पार्शियलिटीज करते हैं, हाँ पर बाहर के मैनेजर्स इतना नहीं करते। वो देखेंगे काम अच्छा है, आपको सैलरी बढ़ाएंगे वो, हाँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर सका हूँ वो हाँ तो। उसको वो हमने भी किया है। हाँ, बहुत अच्छे रहते हैं वो, क्योंकि हाँ जो भी एमएनसीज वगैरह रहते हैं मैक्सिमम लोग बाहर से रहते हैं, तो उनको अगर आप इम्प्रेस कर दिए अपने काम से, सैलरीज का आप सोच भी नहीं सकते कितना अच्छा सैलरी हो सकता है इतने कम टाइम में। तो करेक्ट है प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंसी मैं इसीलिए बताता हूँ लोगों को, क्योंकि मैं अभी बहुत चेंज हो चुका हूँ आगे से, हाँ क्योंकि मेरे में आगे कंसिस्टेंसी नहीं था। फिर बिम
आने के बाद, ज्वाइन करने के बाद आपका कोर्स, मेरे को लगा नहीं कंसिस्टेंसी चाहिए, वो पढ़ाई हो, करियर हो, अपना क्या बोले हेल्थ हो, सब में कंसिस्टेंसी। आपको हेल्थ के बारे में अगर करना है, आपको प्रॉपरली डाइट लेना पड़ेगा और हर दिन लेना पड़ेगा। एटलीस्ट 80% आपको फोड़ना पड़ना है पढ़ाई आई, वो हाँ पढ़ाई का अटेंडेंस हो या डाइट हो, सब में सब कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 80-20 करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा वो करेंगे। हो जाता है, हम भी मनुष्य हैं हाँ तो हाँ हमसे हाँ थोड़ा इधर उधर होता ही है। तो और आपको मेनली, हाँ मैंने भी वही। ये जब स्टार्टिंग में क्लास में डे वन पे मैं बोलता हूँ ना सुबह, इसकी 80% चाहिए मुझे, 80% कुछ आप और दे दो उसके नीचे, हाँ उसके ऊपर इवन मुझे याद है कि कई बार तुम्हारा जॉब के जैसे कम टाइम मिलता तो कॉल करते सर हो नहीं पा रहा है क्या करूँ, तो मैं बोलता था कि जितना हो सकता है उतना दो, जितना, ठीक है हाँ सर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है एटलीस्ट वही लोग शहीद होंगे तो नाम लिखा जाएगा भैया ये प्रयास कर रहे थे ये सोए थे, वही ठीक है वही तो सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने एक्चुअली तुम्हारा कैसा होता, तुम्हारा घर का भी सिचुएशन, उसके बाद जॉब का, फिर उसमें कई चीजें होती हैं, मनी क्राइसिस होती है, इंसान कैसा होता है कि मिडिल क्लास को बड़ी स्ट्रगल होती है हम लोग की लाइफ को, मतलब क्या बोलते हैं आज के टाइम में मैं देखता हूँ कि हम लोग के एज के लोग जो बड़े घरों के हैं, भले भले उनके पास 100 200 500 करोड़ का टर्नओवर है, बट वो उनके पास एक बेस था, था हमारे पास तो बेस छोड़ गड्ढा था, ठीक है, और उस बहुत गड्ढे बहुत को मैंने तो गड्ढे को 4 5 साल में भरा हुआ है, सिर्फ गड्ढे को भरा है, ऊपर का छोड़ दो सुपर स्ट्रक्चर में तो गए ही नहीं, और 5 साल के बाद सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, तो अब समय लग रहा है, और वो समय लगेगा। हर किसी के साथ होता है सुभाष जी, बहुत से ऐसे होते हैं कि हम लोग, मैं खुद हम लोग क्लास में डिस्कस करते ही हैं, और मैं डिस्कस इसीलिए करता हूँ किसी को ये नहीं फील होना चाहिए कि यार मैं इतना नीचे से आता हूँ, ठीक है, क्योंकि सब नीचे से ही आते हैं, धीरे 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 करके हाँ फाउंडेशन बनता है, और डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा हाँ सुभाषिस, हम लोग लास्ट मॉक सॉरी लास्ट हम लोग करने वाले थे पॉडकास्ट तो हो नहीं पाया, उसमें मेरा रीजन था कि मुझे, मैं कहीं जा, मैं घर जा रहा था, रात तुमने ताला भी तोड़ा क्या बोलते, मुझे बड़ा वो हुआ, आज 12 बजे हम उसे हाँ इसको बता देता हूँ कि अभी हम लोग लास्ट टाइम पॉडकास्ट करने वाले थे, बट मेरा ऐसा हो गया कि मेरी 2 बजे की फ्लाइट थी रात को, और 12 बजे में बैच से फ्री हुआ था, एनर्जी एकदम खत्म हो चुकी थी मेरे अंदर से, और ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं पॉडकास्ट वगैरह में एनर्जी चाहिए होती है, मजा आता है, तो और तुमसे भी कन्वर्सेशन करना मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे, तो मैं सोचा यार इतना थक के तो कर नहीं पाऊंगा, प्लस 2 बजे की फ्लाइट है, अगर टाइम से निकला नहीं तो नहीं भी हो निकल गया। गया तो टिकट का पैसा भी खराब होगा, और फिर इसीलिए कैंसिल किया बाद में, तब तो तुमने बोला कि सर मैंने ताला तोड़ा उसके लिए, मैंने कहा यार ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा सर एक बार याद आया कि एक बैच को स्किप कर देता हूँ आज, उनको कुछ काम दे देता हूँ, फिर मैंने कहा एक्चुअली क्या होता है तुमको पता है, जब कभी मैं छुट्टी करता हूँ मैं सोचता हूँ तुम्हारा लॉस नहीं होना चाहिए, उस दिन वही मुझे हाँ सबको बताना था कि इस दिन ये करना, इस दिन ये करना, इस दिन ये करना, मेरा जैसे तुम बोलते हो ना डाइट चार्ट बनाता हूँ, मैं भी अभी जैसे चलो दिवाली की छुट्टी का मैं चार्ट बना रहा हूँ कि इस दिन ये हाँ करना है, इस दिन ये, मतलब दिवाली की छुट्टी भी 1 साल दिवाली नहीं मनाएंगे तो बहुत बड़ा फर्क नहीं, मतलब दिवाली प्रॉब्लम नहीं। हाँ मनाइए, दिवाली मनाइए, अब दिवाली मनाने दो मतलब तीन घंटे का ही है बस, हाँ वो और दो तीन क्या। घंटे मना लीजिए, अब आप सट्टा खेलने लगे पूरा दिन और पता नहीं जो जो भी हैबिट्स होती हैं लोगों की वो ना करके फोकस कर दें करियर पे तो ज़्यादा अच्छा हाँ रहेगा। और चलो क्योंकि सुभाषिस बोलो। जैसे आपने लाइफ के सिचुएशन के बारे में बात किया, हाँ हाँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ में हजारों सिचुएशंस खराब रहेंगे, फिर भी अगर आपका गोल एक सेट है और आपको अचीव करना है तो आप कैसे भी कर लोगे। क्योंकि मेरे केस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए, और क्या बोलते हैं एजुकेशनल प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहा था, प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो सब सबको होता है, मैक्सिमम होता है मिडिल क्लास मिडिल फैमिलीज सबको, को या लोअर मिडिल क्लास फैमिली को होता ही है। हाँ और आपका ये बहुत अच्छा है कि आप थोड़ा सा वो देते हो कि आराम से अरे पेमेंट का कोई चिंता मत करो, पढ़ाई हाँ करो, धीरे धीरे पेमेंट करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसका। मुझे इसमें तकलीफ कब हो जाती है सुबह से, जब लोग बोलते हैं ना कि सर वो तो एक्स वाई जेड प्लेस 2 लाख ले रहे हैं आप इतना कम क्यों ले रहे हो, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार इनको ने इनको ये कम लग रहा है, बट पता नहीं कितने लोगों के लिए बहुत बड़ा नंबर हो सकता है यही, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ठीक है। है जैसे तो कि आपका फीस सुन के मेरे को भी लगा था, जब हाँ मैंने औरों की फीस सुनी मैंने सोचा अरे क्या पढ़ा रहे हैं ये लोग, 2 लाख कौन लेता है, इसमें सिर्फ रैपिड आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, आरसीडीसी पढ़ाएंगे और क्या, बट बहुत ज्यादा है 2 लाख, मतलब हाँ इसके लिए डिग्री हो जाती है, इसमें डिप्लोमा खत्म हो गया था मेरा 90,000 में हाँ अब ये जो मतलब ठीक है वो मैं 2 लाख ले सकता हूँ मैं भी,
बस उसमें से करना क्या करना पड़ेगा, उसमें से 1 लाख मुझे निकाल के बड़े बड़े पोस्टर छपवाने पड़ेंगे अलग हाँ अलग एडवर्टाइजिंग यूट्यूब पर। करना देखा नहीं कि पहले मेरा एक पड़ेगा। एडवर्टाइज आएगा, 4 लोग गालियां भी देंगे, यार कहाँ दिन भर एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है जैसे हम लोग देते हैं दूसरों को। हाँ यही ये सर, चीजें में मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, और डेफिनेटली हो सकता है मैं क्या बोलते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो कर जाऊं। बट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि कभी भी एजुकेशन को, एटलीस्ट सबके साथ ऐसा है कि एजुकेशन को आप फी से जज मत करो, ठीक है, कि इनका कम है तो कम क्यों। और बिलीव करो, मैं तो सुभाषिस में तो कई बार बोल भी चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ कि और कम फी कर दिया जाए, बट ये वही जो लोग ऐसे हैं जो जज करने वाले ना, वो खुद चाहते हैं कि, मतलब हमारी आदत भी हो गई ना कि 10 रुपए किलो टमाटर अच्छा हो ही हाँ नहीं सकता है, हो नहीं सकता। टमाटर तो 100 रुपए हाँ वाला ही अच्छा होता है, तो उस वही हिसाब से। लेकिन क्या बोलते हैं, आई जस्ट वॉन्ट कि डोंट जज एनी वन फ्रॉम लाइक इट्स फी, कवर। क्योंकि क्योंकि कैसे होता है, सबका एक एम होता है। अभी हम लोग कहाँ से आए, और बिलीव करो सुभाषिस कि हमने मैंने रैबिट सीखने के लिए 2 साल स्ट्रगल किया, मेरे पास 14,000 रुपये नहीं आए थे, 14,000 रुपये लग अच्छा रहे थे किसी एक जगह पर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहाँ पर 14,000 मेरे पास था ही नहीं। फीस तो स्कॉलरशिप से आ जाती थी, तो चलो थोड़ा बहुत 10-5 हज़ार मैनेज करके जमा कर दे। मेरी फी थी 96,000 इंजीनियरिंग की, और मुझे अभी भी याद है 83,000 मेरे को स्कॉलरशिप आ जाता था। बाकी पैसे घर से मैनेज, मतलब उतना ही मैनेज कर सकते थे, उससे ज़्यादा अपना बजट नहीं था। उसके बाद 10 रुपये जाने का, 10 रुपये आने का, और 10 रुपये हमारे यहाँ पर दोपहर में डिश होता है छोला समोसा, फिक्स होता है। अच्छा तो लंच हमने 4 साल दबा के छोला समोसा ही खाया है, और उसके ऊपर की सारी चीज बढ़िया। महंगी होती है, पिज्जा खा नहीं सकते उस समय की बात करें, बर्गर तो चलो ऊपर वाले की दया है खा सकते हैं, तब नहीं खा हाँ सकते थे। तो छोला समोसा फिक्स था, 10 रुपये छोला समोसा। तो तुम लोग यहाँ क्या होता है, कौन सा डिश फिक्स होता है, ऐसा कुछ होगा फिक्स कि वही खाते होंगे? इधर तो वही चलता, कचौड़ी और आलू का सब्जी कुछ ऐसे अच्छा, मिलता है। दम आलू टाइप का। हाँ, उस टाइप का कुछ भी खा लेते हैं। रोड साइड तो मिलता ही है और घर पे भी दे जाते हैं आके, हाँ तो ऐसे ही चलता नहीं, है। कुछ जगहों पे ऐसे राइस फिक्स हो गया, रहता है, दाल हो गया। कुछ जगहों पे फिक्स रहता है कि यहाँ पर ये, जैसे कि मैं अभी नागपुर जा गया था, तो नागपुर में क्या होता है, वहाँ पर दही का कुछ डिश था, दही समोसा ऐसे कुछ अच्छा। था, और क्या बोलते हैं, चने का छोला और समोसा ऐसे डिश थे। तो तुमको एकदम अलग लगेगा, अरे ये क्या है। जैसे अभी तुम हाँ गुजरात में जाओ तो वहाँ पर जैसे पोहा डाला तो पोहा में चीनी, सांभर डाला हाँ उसमें बहुत चीनी थोड़ा चीनी, अलग रहता सब है। जगह का अलग। मजा लेना चाहिए हर चीज़ का, और हाँ, वो तो ऐसे है। बैंगलोर का भी ऐसे, मतलब हर जगह का ही है अलग अलग। लेकिन जो एक एक होता है, एक चीज़ होता है जो जिलाता है, जैसे महाराष्ट्र में बड़ा पाव है कि एक कोई भी जी इंसान सरवाइव कर सकता है आराम से खा के, हाँ, आराम से आराम दस से। पंद्रह बीस रुपए में अफोर्ड कर सकता है। चलो मजा आया सुभाषिस, होप सो तुमको भी अच्छा लगा होगा कन्वर्सेशन करके। संडे को तुमको भी 1 घंटा मैंने क्या बोलते हैं परेशान नहीं किया, परेशान नहीं किया होगा जहाँ तक है, और क्या नहीं बोलते नहीं मैं हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था ये हाँ पॉडकास्ट के लिए, हाँ क्योंकि मुझे, जैसे मैं जब भी था कोर्स में, आपके हाँ जब भी पॉडकास्ट आते थे मैं हाँ देखता था, मैं सोचता था एक दिन मैं भी करूंगा, एक हाँ दिन मेरे को भी वहां पे होना है। तो हाँ वो एक मोटिवेशन था मेरे माइंड में कि हाँ मेरे को भी अच्छा करना है, अच्छा करियर ग्रोथ करना है, तभी जाके यहाँ पे आ सकता हूँ। क्योंकि अगर आप हाँ यहाँ पे आ गए तो आपको लगेगा थोड़ा तो कुछ तो स्टार्ट कुछ हुआ तो है गेन आपका, कर दिया, कुछ तो पर गेन कर अभी दिया, बहुत दूर जाना है अभी लाइफ में। यस ये तो जस्ट स्टार्ट है और स्टार्ट अपग्रेड है। करना है। जैसे अभी 6 महीना हुआ मेरा, थोड़ा सा अभी चीजों को समझने में लग गया, 6-10 महीना लगता ही है। फिर अभी और पढ़ना है और ऐड करना है स्किल्स, यस क्योंकि अगर आपको लाइफ मतलब इस करियर में आगे बढ़ना है तो मल्टीपल डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा आपको, यस 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 तभी यस जाके आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं, तो अभी या सुबह से हम लोग भी प्रोग्राम कर रहे हैं कि एक हम लोग एडवांस व्यायाम ला रहे हैं। हाँ एडवांस बोल रहे व्यायाम थे। ऐसा कि जिसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए, उस फ्रेशर्स के लिए नहीं रहेगा वो, तो उसमें कैसे कि कैसे फ्रेशर्स के लिए तो इतना सफिशियंट है जो हम लोग दे रहे हैं, इससे आराम से ज़्यादा आराम उनको याद करने में भी दिक्कत जाएगा ना, ठीक है, पता चला बहुत दे दिया और वो तो वही PhD तक कर लिया, फिर अब सोच रहे अब करें क्या, वो नहीं होना चाहिए। वही। बट एडवांस हाँ व्यायाम लोग जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो शायद तुम लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा, प्लस क्या बोलते हैं, कुल मिला के हमको खुद भी अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है ना, ये मज़ा आराम आ रहा से। है कि सीखने को मिल रहा है। चलो थैंक यू सो हाँ मच सर, सुभाषिस, होप सो कि आपका एक अप्रेजल हो, अप्रेजल के बाद मतलब दूसरा अप्रेजल हो, तो हम लोग एक और पॉडकास्ट करेंगे, और फिर डेफिनेटली। पॉडकास्ट करके होप सो तब तक में तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बढ़ा रहेगा, वी विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो, ठीक है। यस एंड डेफिनेटली मैं प्रयास करूंगा तुम्हारे तरह, मैं भी जिम थोड़ा तो जाना स्टार्ट करूंगा, फिर जिम देखो। जिम हो या ना हो, कुछ एक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि बॉडी अभी इस कंडीशन में आ गया है कि अभी रेस्ट कंडीशन में आ गया है। हाँ आपको जो भी जॉइंट्स वगैरह है उसको मूव हाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको चाहिए होगा वो। हाँ हाँ
और आप अगर भी कुछ खराब खा भी रहे हो तो वो हाँ मैनेज हो जाएगा उसमें। तो जैसे कुछ एक्टिविटी ऐड करना ही होगा। आप जैसे वॉक करते थे, आप बोले हाँ थे हाँ पहले, तो मैं अभी वॉक वॉक कर भी रहा हूँ, बहुत है। हाँ वॉक बहुत में है कर सर, रहा हूँ। 10,000 स्टेप्स बहुत ठीक है है, आपको। अभी मैं क्या, मेरा सोसाइटी का पूरा चक्कर जो है वो 500 मीटर्स का है, तो ओके जैसे ही मुझे मेरी एक एक पूरा कंप्लीट करने में लगभग 8 मिनट लगता है गिन के, ठीक है, 8 मिनट में पूरा ओके सोसाइटी का चक्कर हो जाता है, मतलब आधा किलोमीटर आराम से। तो जैसे ही मेरी एक बैच खत्म होती है तो डेफिनेटली कॉल आए रहते हैं, तो मुझे रिप्लाई देना रहता है, तो मैं नीचे हाँ जाऊंगा, सर कॉल पर रिप्लाई करते करते वो 8 मिनट का चक्कर लगाया, आया दूसरे बैच में ओके बैठ गया। तो ये मैं हर बैच में बढ़िया करता हूँ। अभी तुम्हारे पॉडकास्ट के बाद एक और पॉडकास्ट करना है, बट पहले मैं जाके एक राउंड लगाऊंगा, और कॉल तो आई होंगे, मैंने फ्लाइट मोड पर डाला हुआ है, रिप्लाई करूंगा, और अच्छा रिप्लाई करने के बाद मतलब बोला कि कोशिश ये करते हैं कि एटलीस्ट 2-3 किलोमीटर तो चल ही ले, ठीक आराम है, से। अब एक साथ हाँ नहीं कर हाँ सकते तो जैसे सब लोग को कंफर्ट है, बट हाँ हाँ अगर जिसके पास सुविधा है मुझे लगता है उसको कहीं ना कहीं हेल्थ पर ध्यान देना करना चाहिए, ही जैसे चाहिए। हेल्थ पर ध्यान देना हाँ चाहिए, क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ है एट द एंड ऑफ द हेल्थ ही डे। सब सब कुछ है। और ये हाँ ऐसी चीज है कि जिसका कोई मतलब कि आपको दर्द होगा ना, तो सिर्फ आपको दर्द होगा, वो पूरा आपको परिवार सामने खड़ा भले रहेगा, कोई कोई आपके दर्द को खींच नहीं सकता, ठीक है, वही मतलब ये वो आप ही को झेलना है कि ये आप ही का दर्द आप झेलो। चलो थैंक यू सर, सुबह से बहुत मजा आया, और क्या बोलते हैं, एंजॉय योर डे, थैंक एंड होप सो कि आप ज्यादा से ज्यादा उन्नति करें, और उन्नत करेंगे तो हम लोग ढेर सारे एक्सपीरियंस को सीखेंगे आपके थ्रू, ठीक है, वही सर, चलो थैंक ओके, थैंक यू सो मच, यू सर। एंड होप सो हम लोग जल्दी से दोबारा पॉडकास्ट करें। हाँ सर लास्ट में यही बोलना चाहता हाँ हूँ बोलो बोलो कि बोलो। आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, अरे वाह थैंक क्योंकि आप बिजनेस माइंड से सोच नहीं रहे हो। अभी आप ये चाहते हो कि बच्चों का फ्यूचर बन जाए बस, क्योंकि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट मैंने ये देखा है कि वो बस चाहते हैं कि हमारा टीआरपी बढ़े, हमारे इनकम बढ़े, और जो भी है वो बिजनेस में देखते हैं। पर हाँ आप नहीं देखते ये, आप सिचुएशन को समझते हो। आप समझते हो कि हाँ सामने वाला करियर में कुछ करना चाहता है, पर क्या होगा बिजनेस में एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप किसी का करियर बना रहे हो, बेस्ट सेटिस्फेक्शन होगा वो आपके लिए। हाँ आपको भी अच्छा लगता होगा कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छे कर रहे हैं बहुत अभी बहुत अच्छा। अब तुमको मैं बताता हूँ, तो। अभी क्या बोलते, थोड़ा सा इमोशनल हो गया, मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। अभी बता दो, जैसे तुम्हारा अप्रेजल हुआ था 10,000 का, बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना खुश था कि जैसे कि मुझे ही मिल गया हो, ठीक है, और अब ये बोलते हुए मेरे आंखों में पानी आ रहा है, इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया, और मैंने हर बच्चे को, जिस जो जो बच्चा मिला मुझे, मैंने उसको बताया, तुमको पता है सुबह से इसका ये अप्रेजल हो गया, तो ये क्या हो गया, ये मेरे लिए बड़ा हैप्पीनेस की बात हो गई, क्या तुम्हारा सैलरी बढ़ गया, मेरा ग्रोथ हो गया, मतलब मेरे लिए ग्रोथ हो गया वो, ठीक है, ऐसे डेफिनेटली मतलब वो सर, ये बहुत चीज़ टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये चीज़ देखना। और मैं तो ये देखता हूँ यार कि देखो अपने डोमेन बहुत से बच्चे साइट इंजीनियर से कितना मेहनत करते हैं, रात को 12 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर वो पंचुअलिटी मेंटेन कर लें तो बहुत अच्छे से अपने क्या बोलते हैं ग्रोथ कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ देखो, एट द लास्ट बिजनेस करना ना, तो बिजनेस करने के बहुत से अलग अलग मेथड है, जरूरी कि यही हो। मैं खुद बिजनेस करता हूँ, ठीक है, मेरे पास अपना रियल हाँ एस्टेट, तुमको पता है, मैं प्लॉटिंग से करता हूँ, प्लॉट को बेचता हूँ, खरीदता हूँ, ये सारे मुझे अच्छे लगते हैं, वो मेरा एक अलग प्रोफाइल है, उसका स्टूडेंट्स के लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो प्रोफाइल है कहीं ना कहीं मैं अपने, मैं चाहूँ तो मैं 2-4 टीचर नहीं हायर कर सकता, आराम से। ठीक है, मैं हाँ फ्रेशर बच्चे हायर कर लूँ जैसे सभी जगहों पर होता है, ठीक है, और मैं बैठ के कहीं पर बैठ के आराम से सोशल मीडिया पर ऐड लगा लगा के वो जो चीज़ें होती हैं मार्केट में वो वही करना बहुत आसान है, ठीक है, मैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये मेरे बच्चे हायर करके तुम्हें रैबिट सिखवा सकता हूँ, बट एक्चुअली आराम से। वो हाँ रैबिट तो उनसे अच्छा तो यूट्यूब सिखा देगा, आराम से। आप हाँ रैबिट के लिए नहीं आते हो। मैं तो कई बार तुम लोग को क्लास में बोलता था ना कि यार ये तो तुम यूट्यूब से भी सर्च कर लो, कई बार लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, भाई सर्च कर कुछ, लो यार, हाँ कुछ अगर कुछ खोजो, डाउट हाँ हो रहा है यूट्यूब में देख दो, और क्या है, ठीक है, बहुत बड़ा अच्छी इजी है। चीज़ अभी है। कुछ भी सोल्यूशन पाने के लिए गूगल है, यूट्यूब हाँ है, कुछ भी आपके सीनियर से पूछ सकते हो। बस हाँ वो इच्छा होनी चाहिए माइंडसेट आपको कुछ माइंडसेट सीखने होना की। चाहिए, हाँ सबसे बस, इम्पोर्टेंट है। हाँ अगर आप ऐसे ही कर रहे हो कि हाँ जॉब मिल जाएगा, वो कुछ हाँ नहीं होगा उसमें। ठीक है, सही बात है। और जो लोग भी गाइस, आप लोग अगर बी में करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, सुभाषिस की तरह अपना करियर देखना चाहते हैं, अगर आप अंदर से हैं कि नहीं, ठीक है, आपको फंड का कोई प्रॉब्लम है जेन्युइन, अब ये कुछ लोग तो ऐसे करते हैं यार, उनको तो बहाने बना लेते हैं, ठीक है, वो अलग दिखता है, हाँ ठीक है, वो नहीं करो प्लीज, वो हाँ करने से क्या होगा, आपके बहाने से डेफिनेटली, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका लॉस होगा, आपको लॉस होगा। ठीक है, वो उनको अभी लगेगा यार इनको तो मैंने बेवकूफ बना दिया, ऐसे कई लोग करते हैं टू बी फ्रैंक, ठीक है, कर्मा इज रियल। ठीक है, लेकिन वो रिटर्न आता है, और इतना गंदा रिटर्न आता है
कि क्या बोलते हैं, मैं अपने सब नहीं बोलूंगा उसके रिलेटेड, लेकिन मैंने देखा है लॉकडाउन में वो सक्सेस नहीं होता है। ठीक है, मेरे मुझे पता है। रिसेंटली रिसेंटली मुझे मेरा कोई सामान खराब हुआ, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हुआ, तो मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि यार इसको बड़ा क्या बोलते हैं, तुम फ्लिपकार्ट से दोबारा सामान मंगवाओ और क्या बोलते हैं ये वाले सामान को उसके अंदर पैक कर दो और वापस कर दो और क्या बोलते हैं दूसरा सामान आ जाएगा। बिलीव करो मेरा जमीर ही नहीं अलाउ किया। मैंने कहा नहीं यार होगा, अपने वो ठीक है, अंदर से नहीं आएगा वो। अंदर से नहीं आया। मैंने कहा यार उसका तो नुकसान हो गया, क्योंकि हाँ मैंने यूज किया 6 महीना, मेरा खराब हुआ। ईयरफोन था, वही। ईयरबड्स, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ नॉइस कंपनी का था। अब मेरा 6 महीने यूज किया हुआ है, मैं पोछ होछ के कर दूं ये छोटा सा फ्रॉड, चलो ऊपर वाले की दया से मेरे लिए 1,000 2,000 बहुत कुछ तो है नहीं, नाखून के बराबर भी नहीं रह गया। अब उसमें मैं ये फ्रॉड करके पहली बार अपने अंदर को गंदा कर रहा हूँ कि यार ये ईयरफोन को साफ करके मैं ये वापस करूँ। दूसरी चीज, वो जो बेचारा इसको लिस्टेड किया होगा, कहीं से ऑर्डर किया होगा, उसकी मेहनत मैं गलत कर रहा हूँ और इसका रिटर्न कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा, तो बेटर है कि वो रिटर्न नहीं चाहिए। ठीक है, वी आर हैप्पी विथ वॉट एवर वी हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप हाँ 5 रुपए के भी अच्छा ही करते हो ना, आपको 10 रुपए के हाँ मिलेगी। मैं देखा हूँ, मतलब मैं मुझे जब भी कुछ मौका मिलता है किसी को हेल्प करने का, मैं करता हूँ जितना भी अपना होता है, करेक्ट, क्योंकि सब लिखा रहता है। लिखा अगर आप रहता कुछ है। अच्छा कर रहे हो तो आपको अच्छा मिलेगा ही। अगर आप कुछ हाँ बुरा कर रहे हो, 5 रुपए का बुरा करो, आपको 50 रुपए का बुरा ही पचास रुपये का मिलेगा, बुरा मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, नहीं पर आ मिलेगा। जाएगा। आप बोलेगा क्या किया मैंने गलती, बट किए हो, कभी ना कभी तो हाँ किए हो हाँ गए। हाँ हाँ तो नहीं, उसमें ऐसा होता है कि नहीं, अगर कुछ ना कुछ तो गलत किया ही होगा, उसका रिटर्न जो है, और रिटर्न बड़ा इंटरेस्ट के साथ जुड़ के चलता है। ठीक है, हाँ, बहुत रिटर्न ज्यादा चलता इंटरेस्ट के साथ आता है, तो वो दिक्कत होता है। है। हाँ चलो बहुत अच्छी चीज़ डिस्कस की, होप सो सबको ये अच्छा लगा होगा। लाइक कर गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, सुभाषिस कैसे लगी। सुभाषिस को परेशान करना है अगर आप लोगों को, तो लिंक्डइन पर खूब मैसेज करिए। हाँ, रिप्लाई का वेट आराम करिएगा। ठीक है, रिप्लाई ऐसे नहीं कि से। तुरंत, क्योंकि तो देखो कैसे होता है कि तुरंत रिप्लाई करना जॉब में संभव नहीं होता। सुभाषिस, मुझे भी कई लोग कॉल करते हैं, मैं बैक कॉल करता हूँ, तुम खुद भी कॉल कर मैसेज करते थे कि सर बात करनी है, तो मैं देखो अपने हिसाब से टाइम टाइम अरेंज ले लो। हाँ, करके मैं अरेंज कर लेता था, वो अच्छा लगता है। सुबह 9 बजे। ठीक है, लेकिन अगर कोई अभी व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कॉल आजकल सिस्टम बन गया है, अच्छा लोग ना टाइप करने में मेहनत नहीं करना चाहते, डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। डायरेक्ट कॉल कर देता। अब हाँ ये सोचो कि सामने वाला क्लास में है कि किस सिचुएशन में है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मजा आया मुझे कुल मिला के, एंड होप सो कि ऐसे ग्रो करते रहो और हम लोग आगे ढेर सारे पॉडकास्ट करते रहे। ठीक है, चलो डेफिनेटली सर। ओके।